Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती हैं. आई एडमिट कि मैं बहुत अच्छा वीडियो नहीं बना सकती हूँ. स्टिल मैंने सोचा कि मैं आपको ये शॉपिंग मॉल दिखाऊँ. कुछ ज़रूरी बातें आपसे करने का दिल चाह रहा था. कुछ लोग तो पहचान गए होंगे कि ये सेंटोरस है, ह्यूज बिल्डिंग है. इसके बाहर खड़े होकर देखो, मुझे तो बस ऐसे खौफ सा आने लग जाता. खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है. आपने कुछ नहीं भी ख़रीदना ना, तो सेंटोरस जाके आपका दिल खुश हो जाता. आप घूमते हैं, मेरे जैसा बंदा विंडो शॉपिंग करके खुश हो जाता है. बहुत हंगामा, मौज मस्ती, सब फैमिलीज आई होती हैं. बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सिक्योर्ड है, बहुत अच्छा है. और हर ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाता है. आप कुछ भी कहीं से ख़रीदना चाहें तो आप बेहतर है कि सेंटोरस चले जाएं. ये बर्ड्स मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया. अच्छा, मैं कह रही थी मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती, और ख़ास तौर पे शॉपिंग व्लॉग्स मुझे बनाने नहीं. मुझे नहीं समझ आता कि मैंने अपने कैमरे का कौन सा एंगल रखना है, कितनी देर किस चीज़ की वीडियो शूट करनी है. अच्छा, अब आजकल ये हो गया है कि स्टाफ जो है वो वीडियोस बनाने भी नहीं देता है, तो थोड़ा मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि मुझे कोई मना ना करे. एनीवेज, जो जो मैं जिस तरह मैं बना सकी तो मैं बना रही. बात असल में ये आपको चीज़ें दिखाना मकसद नहीं है. जो बात मेरे दिल में आ रही थी वो मैंने सोचा कि आज आपके साथ करूँ. और स्पेशली मैं उन बच्चों को बच्चियों के साथ कर रही हूँ जो टीनेजर्स हैं, जिन्हें कुछ बातों की बिल्कुल समझ नहीं होती, जो भी मच्योर नहीं हुए होते, उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ. उनसे बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि एक ब्रांड्स का एक आजकल एक ट्रेंड है कि ब्रांड्स जरूर पहने. एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने क्या ब्रांड पहना है क्या, लेकिन उसको अपनी कमजोरी मत बनाए. ये मत कीजिए कि हम फ्रेंड्स की गैदरिंग है और ये वाला शर्ट मैंने लास्ट टाइम भी पहना था, अब इस टाइम तो मुझे एक नया शर्ट चाहिए और मुझे नए शूज़ चाहिए और मैं पहन के जाऊंगी, अदरवाइज मेरी तो वहाँ पे पता नहीं कोई इंसल्ट हो जाएगी, सबने पहने. आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रेसिव कीजिए, आप अपनी सोच को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए. तो ये कपड़े आपके लिए, जूते या ये बैग्स, ये आपके लिए मैटर नहीं करें. यू विल बी अ वेल ग्रूम्ड पॉलिश्ड पर्सनैलिटी. कपड़े मैटर नहीं करते. आप उनको एहतियात से पहनिए तो भी वो बहुत अरसा चल जाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये कि हर ब्रांड का न्यू अराइवल आ गया है. समर्स आ गए हैं या विंटर्स आ गए हैं तो न्यू अराइवल्स हमने खरीदे बहुत महंगे. आप इंतज़ार कीजिए कि कुछ ऑफ लग जाए. 50% ऑफ पे ख़रीदने का बहुत अच्छा टाइम होता है जब आपका सीज़न एंड हो रहा. आप खरीदिए, आप उनको संभाल के पहनिए, आप वो अच्छा सिलवाइए और यू विल बी प्रेजेंटेबल. ये करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आजकल बहुत महंगाई. जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी औलाद के प्यार में उनको इनकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी ये वाली फरमाइशें इतने अच्छे से पूरा भी नहीं कर सकते कि जी नया बैग दिला दें, नए शूज़ दिला दें, नई शर्ट्स दिला दें, स्वेटर्स कोट सब दिला दें. बहुत मुश्किल है. सारे बच्चों को नई नई चीज़ें हर रोज़ लेके देना बहुत मुश्किल. आप एहतियात से पहने और कॉन्फिडेंस के साथ पहने. आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही अफोर्ड करें. फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपने कुछ चेंज पहनना है, कुछ नया पहनना है, तो आजकल बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो अपने लिए अर्न करते हैं, अपनी पॉकेट मनी रेज करते हैं. आईटी में कुछ कीजिए, किसी को असाइनमेंट्स बना के दीजिए. अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी की हेल्प कीजिए और उधर से अर्न कीजिए. अगर आपको बेकिंग का, कुकिंग का शौक है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में उनको कुकिंग बेकिंग सेल कीजिए.
अपने लिए अर्न कीजिए, अपनी पॉकेट मनी बढ़ाइए और उसी में से अपने पेरेंट्स को भी छोटा मोटा कोई गिफ्ट दीजिए और अपने लिए जो चाहे खरीदिए, लेकिन फिर भी 50% ऑफ पे खरीदेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। हम उस दिन गए थे सेंट टॉरस, तो ये ब्रेकआउट पे 50% ऑफ है, इस कदर अच्छी चीज़ें थी। वहाँ से हमने शॉपिंग भी की, मतलब 14,000 का कोट था जो कि 50% ऑफ पे भी हमें 7,000 का मिला। 7,000 इज अ हेल ऑफ अ थिंग। कुछ लोगों के लिए नहीं है, मैं उन लोगों के साथ बात नहीं कर रही हूँ जो किसी भी वक्त कुछ भी अफोर्ड कर सकते, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो चाहते हैं कि हम थोड़े प्रेजेंटेबल लगें बट स्टिल दे हैव टू यू नो बी इन देयर लिमिट्स। आप अपने पेरेंट्स के ट्राई टू गेट इन देयर शूज, आप उनके सिचुएशन को समझिए और उनके साथ ये जिद मत कीजिए कि हमने न्यू अराइवल्स लेने, थोड़ा ऑफ पे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं। उसके बाद यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत अच्छा है, मैं हमेशा जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है फूड कोर्ट में, इतना हंगामा, इतना मज़ा आता है, छोटे छोटे इतने क्यूट बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको देख के बहुत खुशी होती है। फिर हम दो लोग थे तो हमने बस पिज़्ज़ा मंगाया, ड्रिंक मंगाया आया और फिर हम कुछ और घूमने चले गए। अच्छा तब थोड़ा वीडियो लेट हो गई है, तब क्रिसमस आने वाली थी, ये इतना सेक्शन खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ था और बच्चे इतने खुश हो रहे थे। अच्छा है कि बच्चों को दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी पता चले कि वो क्या है, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, वो क्या प्रीच करते हैं। तो ये अहले किताब हैं क्रिश्चियंस ऑफ कोर्स, हमें इनसे भी कोई इस तरह की जेलसी या हसद नहीं है। ये बहुत प्यारा सेक्शन था और इतना ब्यूटीफुली इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ था, तो बच्चे बहुत अम्यूज हो रहे। तो मैंने कहा ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ, इट्स टू लेट, अब तो इनका ईस्टर भी आने वाला है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कैप्चर किया। और फिर एक ख्वातीन की कमज़ोरी कि उन्होंने या मेकअप का सेक्शन ज़रूर देखना है या उन्होंने बर्तनों का सेक्शन ज़रूर देखना है, तो हम अलफतेह में चले गए। बहुत क्वाइट काम माहौल था, बिल्कुल खामोशी थी और इतनी रेंज है इनके पास, हर चीज़ की इतनी वैरायटी है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी मर्ज़ी का मिल ही जाता है। मेकअप में शेड्स कम मिलते हैं आपको अपनी मर्ज़ी के, लेकिन स्टिल आपको मिल जाता है। मैं असल में स्कार्फ्स के पीछे थी, मुझे कुछ स्कार्फ्स ख़रीदने थे, लेकिन सर्दी उन दिनों बहुत थी तो बहुत हैवी स्कार्फ्स थे, बहुत मोटे वुलन डबल निटेड, मुझे ज़रा लाइट वेट चाहिए थे। वो फिर मैंने ख़रीदा है, मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीद के मैं घर लेके गई। अच्छा यहाँ पे इतनी खूबसूरत क्रॉकरी, इतनी खूबसूरत कि आपकी नज़रें यहाँ से नहीं हटती। मैंने तो सारा कैप्चर नहीं किया है और यहाँ से इनफैक्ट मैंने कुछ ख़रीदा भी नहीं है, क्रॉकरी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपकी जेब में इतने पैसे हैं आप ज़रूर ख़रीदिए, आप अलफतेह पर जाएंगे, बहुत वैरायटी है यहाँ। बस मैंने देखा मुझे कुछ ऐसा ख़ास चाहिए नहीं था इतना ज़रूरी, तो मैंने यहाँ से लिया कुछ नहीं। ये सेक्शन बहुत अच्छा था, इसमें छोटे छोटे टी पॉट्स थे, शुगर पॉट्स थे, ये खूबसूरत थे। लेकिन ये कि फिर मेरे बेटे का फ़ोन आ गया कि मैं आ गया हूँ आपको पिक करने के लिए, तो आप आ जाएँ, तो फिर मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकी कि मुझे यहाँ से क्या लेना। ये टी सेट्स डिनर सेट से बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आए। और इसमें सिर्फ बर्तन नहीं है, बच्चों का सेक्शन बहुत वैरायटी है उसमें, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद आपके जिम का सेक्शन है, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ये कप्स देखें, इतने खूबसूरत कि मुझे तो यही लगता है कि किसी को गिफ्ट देना हो तो आप यहाँ से ज़रूर कुछ खरीद के उसको दें, तो बहुत प्यारे। ऐसे प्रिंट्स और ऐसी वैरायटी मैंने अलफतेह से बाहर कम ही देखी है। तो फिर ये देख लिया, उसके बाद फ़ोन आ गया, तो फिर हम चले गए। लेकिन जो बात मैंने की है, आई विश एंड आई होप के आपको समझ आ गई हो, बहुत पते की बात है और मेरे दिल में थी। अगर मैं इस एज में होती जिसमें आज टीनेजर्स हैं या इवन अपने अर्ली 20s में 30s में होती, तब भी इस बात को मैं प्रैक्टिस करती। मैंने अपने ज़माने में ये बात प्रैक्टिस की है
लेकिन आज के दौर में मैं चाह रही थी कि उन बच्चों को अवेयर करूं जिनके जहन में ये ख्याल आए और मेरी बात को वो समझे, तो इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए और कोई बात नहीं। बस हम यहाँ से फिर घर निकल। देखिए ये वो गिफ्ट्स हैं जो मैं ये लेके आई, मेरे लिए मुझे एकदम देने थे अपनी एक्साइटिंग फ्रेंड्स को, टू पीस है। तो इसकी तफसील अब आप देखिए। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। डीप पिंक ब्राउन शेड है और ये इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है। खद्दर का सूट दे रही हूँ क्योंकि मैंने फिर इस तरह से पैक नहीं होता, अगर एक दफ़ा आप खोल लें तो फिर इस तरह अच्छा पैक नहीं होता। अभी मैंने उनको गिफ्ट्स देने, स्काफ लिया है, ये मुझे इसकी चीज़ बहुत पसंद आई थी, कलर भी इसका मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ये इसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, फुल स्काफ है, अच्छा खासा बड़ा है, ये देखिए बहुत प्यारा स्काफ है। एक ये मैंने लाइम लाइट से शॉल ली, जैसे खाड़ी नेट होता है कुछ उस टाइप की है, वुलन शॉल मुझे अच्छा लगा था इसका, ये मैं शॉल लेके आई। ये मेरे लाइम लाइट के हो गए गिफ्ट्स। ये देखिए ये शर्ट है और दुपट्टा है, यस ये दुपट्टा है, ये इसका शर्ट है। लग रहा है लेकिन विस्कोस लिखा हुआ है, ये भी शर्ट एंड दुपट्टा, दिस इज द शर्ट, बड़ा अच्छा ये मुझे कॉम्बिनेशन लगा। सो ये मैंने गिफ्ट्स खरीदे ये बॉर्डर के साथ, इसका दुपट्टा, अब मैंने उनको देने हैं इंशाल्लाह। If you are new to my channel, hello there, welcome. Please make sure to subscribe and click on the notification bell. I usually post my videos one after another. I hope you've enjoyed my video. See you next time. Thanks for watching.